तो हम बात करने वाले हैं ऑल एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जैसे तुम्हारा CrO5 है राइट, और कैरोस एसिड है ठीक है, इसमें तुम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। देखो मार्शल एसिड है H2S2O8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। देखो एक्सेप्शनल ए भी है, उसके बाद CFe3O4, इसमें भी तुम आयरन का निकालोगे, ये भी तुम्हारा कुछ उठपटांग आएगा। अगर बात करें हम देखो टेट्राथायोनेट S4O6 2-, इसका भी तुम सल्फर का निकालोगे, कुछ उठपटांग आने वाला है राइट। अगर वहीं पर अगर हम इसकी बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर में, अगर क्लोरीन का निकालो तो क्लोरीन का कहीं पे प्लस वन आएगा, कहीं पे माइनस वन आएगा। अब तुम निकालोगे एक्स मान के तो तुम्हारा जीरो आएगा। आखिर ये सब चीजें देखो, कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2 Br3O8 ठीक है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड, अगर इसका आप निकालोगे ब्रोमीन का तो यहाँ पर भी तुमको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा। तो सारे केस को हम कवर करने वाले हैं इसमें, तो चलो हम एक एक करके इसमें स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो देखो पहले तुम्हारा CrO5, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो अगर तुम क्रोमियम को एक्स मानते तो ऑक्सीजन को तुम क्या करते, 5-2 = 0 कर देते, तो एक्स बराबर तुम्हारा प्लस का 10 आता। अब क्रोमियम का भाई प्लस 10 तो आने वाला है नहीं, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, स्ट्रक्चर बना लेंगे ठीक है। तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर देखो CR डबल बॉन्डो, अब देखो बड़ा प्यारा सा इसका स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और इसका कलर भी याद कर लो, कलर भी कलर कलर, इसका कलर क्या होता है ब्लू ठीक है। तो याद कैसे करोगे, ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई ठीक है, ब्लू बटरफ्लाई मजा आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देखो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड तोड़ोगे ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन, और क्रोमियम में ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ऑक्सीजन पे जाएगा -2 और क्रोमियम पे आएगा +2। इधर अगर ऑक्सीजन वाले से ब्रेक हो, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -1 आएगा। इधर से तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे +1, क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1। इसको तोड़ो तो क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1। इसको तोड़ो तो क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्रोमियम पे टोटल कितने प्लस के चार्ज आ रहा है, प्लस के 6 आ रहा है ठीक है। अच्छा एक बात और बता दे रहे हैं, अगर तुम इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे तो 0-0 आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो नहीं है ना भाई ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, प्लस का 6 होगा ठीक है। चलो अब हम कैरोस एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो H2SO5 है, अगर तुम सल्फर को X ले लो तो इसको X मानोगे, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 × +1 2 होगा, और ऑक्सीजन का 5 × 2 = 10, माइनस का 10 = 0। सॉल्व करोगे तो प्लस का क्या आएगा, 8 आएगा। अब सल्फर भाई प्लस 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं ठीक है। स्ट्रक्चर तो H2SO5 है, तो पहले सल्फर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखो एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ दे दो ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन को एक साथ और यहाँ पे दे दो हाइड्रोजन। अच्छा इस लिंकेज को, इस लिंकेज को बोलते हैं PEROXID, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन वहां पे जाएगा -1 और सल्फर पे क्या जाएगा तुम्हारा +1। इधर से तोड़ोगे ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। इधर से तोड़ोगे तो सल्फर पे +2 और ऑक्सीजन पे -2। इधर से तोड़ोगे ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन सल्फर पे +1 देगा, ऑक्सीजन पे -1। अब देखो दो टोटल काउंट करो, 2, 4, 5 और 1, 6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला मित्रों, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, प्लस का 6। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। अगर समझ में आया हो, मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो। देखो मार्शल एसिड की बात कर लेते हैं, मार्शल एसिड, अब मार्शल एसिड का देखो यहां पर भी कैसे हम करेंगे इसको ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाएंगे। देखो सल्फ्यूरिक एसिड तुम जानते हो H2SO4 राइट, अब सल्फ्यूरिक एसिड का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओ तो यस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ सिंगल बॉन्ड एच ओ सिंगल बॉन्ड एच ठीक है। अब हमको बनाना है मार्शल एसिड, तो मार्शल एसिड यानी अब हम देखो क्या कर रहे हैं, इसी के बाजू में एक सल्फ्यूरिक एसिड और बना दे रहे हैं
तो ऐसे बनेगा इसी का जस्ट। अब यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल दो, एच टू निकाल दो, तो एच टू निकालोगे देखो क्या बनेगा, एच ओ, कलर बदल लेते हैं ठीक है। अब एक बार फोकस करो, एच ओ यस, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। अब यहाँ पे देखो फिर ओ लिंकेज बन गया ठीक है, ओ लिंकेज। अब यहाँ से यस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ, और यहाँ पे बन गया ठीक है। अब हम अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखना, इधर से बॉन्ड अगर तोड़ोगे ऑक्सीजन पे जाएगा -1 और सल्फर पे आएगा +1 ठीक है। इधर से तोड़ोगे ऑक्सीजन पे जाएगा -2 और सल्फर पे आएगा +2। इस पे तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे जाएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। और इस वाले को भी तोड़ोगे ऑक्सीजन पे आएगा -1 और सल्फर पे आएगा तुम्हारा +1। यानी देखो तो 2, 4, 5 और 6, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। सिमिलरली इस वाले सल्फर का भी कितना आएगा, +6 आएगा ठीक है। आया बात समझ में ठीक है। अगर इसको तुम फार्मूले से निकालते हैं तो देखो क्या होता, 8 दूनी 16 ठीक है, दो हाइड्रोजन का 100, अरे भाई ऑक्सीजन का 8 ना, तो 8 दूनी 16, और 16 में से 2 घटा दोगे 14, और 14 को अगर 2 से डिवाइड करते तो +7 आ जाता है, जो कि क्या है, गलत है। चलो तो हमारा तो ये मार्शल एसिड हो गया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं Fe3O4। तो पहले हम Fe3O4 का फार्मूले से निकालते हैं ठीक है, साथ में आप भी निकालो। अब आयरन को तुम क्या लोगे, एक्स लोगे ना, तो 3x हो जाएगा। ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्साइड -2 हो जाएगा राइट भाई, तो यहाँ पे होगा 4 × -2 = 0, तो एक्स इक्वल टू 4 × 8 + 8/3 राइट है। अब यहाँ पर यही फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ठीक है वो तो होल नंबर में होना चाहिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में क्यों आया, तो बेसिकली आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Fe3O4 है ना, Fe3O4 ये इसका मिक्सचर है, FeO Fe2O3 ठीक है, इन दोनों कंपाउंड का ही क्या है, मिक्सचर। अब यहाँ पर अगर इस आयरन का निकालो तो आयरन को x मानोगे, ऑक्सीजन को -2, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, +2 आएगा, यानी ये वाला ऑक्सी आयरन +2 में है। और यहां से निकालोगे तो 3 × 2 = 6, देखो इसको 2x और -6 = 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, +3 आएगा, तो यहाँ पे ये वाला आयरन किस में है, +3 में। अब एवरेज निकालना है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो एक आयरन और यहाँ पे दो आयरन, तो एक आयरन के ऊपर कितना चार्ज, +2 ना, तो 1 × 2 कर लो, यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर 3, तो क्या करोगे, 2 × 3 कर लोगे राइट है। अब टोटल टोटल कितने आयरन, 2 और 1 3, अब देखो 2 × 3 × 6/3, यानी आया कितना, +8/3। तो ये अगर फ्रैक्शन में कहीं आता है तो आप समझ लो गेम किसका है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का ठीक है भाई। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं टेट्राथायोनेट, तो देखो टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा अगर फार्मूले से निकालो तो क्या क्या प्रॉब्लम है, फार्मूले से निकालें तो क्या प्रॉब्लम है, चलो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सल्फर कितना, 4, तो 4 सल्फर तो 4 × x राइट है। ऑक्सीजन 6 × -2, अब जो चार्ज होता है इक्वल टू के उधर भेज देते हैं तो -2, तो 4x − 12 − 2। अब यहां से मिलेगा 4x = 10, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2.5 ठीक है, 2.5। अब ये क्या बोला है भाई, तो 2.5 आने का भी रीजन आप तो समझ ही गए होगे, क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर से, जहां पर भी ऊट पटांग आंसर देखने को मिले वहां पे समझ जाना अपना काम कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर से। समझ में आ रहा बाबू, तो ऐसे बना लो, पहले तो 4 सल्फर को ऐसे लगा लो, 4 सल्फर को लगा लो ठीक है, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और इस पे लगा लो माइनस, क्योंकि दो टोटल चार्ज कितने हैं, 2 नेगेटिव। सेम काम इधर ऐसे कर लो, ऐसे ओ नेगेटिव,
क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जब सल्फर का सल्फर के बीच में बॉन्ड तोड़ोगे ना, तो दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि शेयरिंग क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या है, आइडेंटिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीरो जीरो देते हैं। अब इधर भी सेम कहानी, इधर भी होगा, इस सल्फर के बीच में वही कहानी होगा, तोड़ोगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, जीरो जीरो मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ोगे तो देखना यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का टू, यहाँ से तोड़ोगे तो मिलेगा प्लस का टू, और इस वाले से तोड़ोगे तो ऑक्सीजन के बीच से मिलेगा प्लस का वन, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस टू, ठीक है। तो इस सल्फर पे देखो तो टोटल दो चार और एक पांच, कितना मिला, प्लस का पांच मिला। सिमिलरली इस सल्फर पे भी देखोगे तो कितना मिला, प्लस का पांच मिला, और इस सल्फर पे कितना मिला, जीरो, और इस सल्फर पे कितना मिला, जीरो। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि टेट्राथायोनेट में जो जितने भी सल्फर है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो पांच, जीरो, जीरो और पांच, ठीक है। अब देखो टोटल सल्फर कितने, चार, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर कहाँ रखोगे, नीचे, तो चार रख दिया, एक पांच, फिर प्लस में जीरो, फिर प्लस जीरो, फिर प्लस पांच, तो टोटल दस बटे चार, और डिवाइड करोगे आएगा 2.5, तो ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है यहां से आया, ठीक है, समझ में आया। हमने कैसे किया, सल्फर यहाँ प्लस पांच है ना, तो एक गुड़े प्लस पांच समझ लो, ये जीरो है तो जीरो रख दिया, इस वाले सल्फर के लिए जीरो रख दिया, और इस वाले सल्फर के लिए पांच, चार से डिवाइड किया, आएगा कितना, 2.5, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में हम किसका निकालेंगे, क्लोरीन का। तो अच्छा, अगर फार्मूले से निकालोगे तो देखो क्या करोगे तुम, कैल्शियम तुम्हारा क्या होगा, मेटल है तो प्लस टू, ऑक्सीजन का माइनस टू, और क्लोरीन जिसका निकाल रहे हो उसको 2x = 0, दो से दो खत्म, 2x = 0, तो यहां से मिलेगा x = क्या हो जाएगा, 0। तो x = 0 भाई, क्लोरीन अब 0 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो करेगा नहीं, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो CaOCl, और यहाँ पे क्या है, सीधा Cl। अब बताओ कैल्शियम और क्लोरीन में किसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन का, तो यहाँ पे आएगा -1, इस पे जाएगा +1। कैल्शियम और ऑक्सीजन में पप्पा कौन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, चीटी। क्लोरीन में, क्लोरीन और ऑक्सीजन में पप्पा कौन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -1 और क्लोरीन पे +1। अब देखो क्लोरीन और यहाँ पे दो क्लोरीन, अब यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, एक +1 आ रहा है, दूसरा -1 आ रहा है। अगर हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +1 - 1 अपान टोटल कितने क्लोरीन, दो, तो एक में से एक जाएगा तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो जो ये बेसिकली 0 आया था वो क्या था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो आया समझ में, आया, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम बोलोगे +1 और -1, ठीक है। ऑप्शन में +1 - 1, अगर 0, अगर तीनों, अगर किसी एक ऑप्शन में हो गया ना, तो तीनों तुमको करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले तुम कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड से इस तरीके से जोड़ लो, ये कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। अब यहां से देखो, अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, कार्बन पे आएगा +2, और सेम काम इधर से करोगे, ऑक्सीजन पे आएगा -2, कार्बन पे आएगा +2। अच्छा, अगर इधर से तोड़ोगे ना भाई, तो कार्बन पे आएगा 0, इधर से आएगा 0, इसको तोड़ोगे इस पे आएगा भी 0 और इधर जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2, 0 और क्या है +2, तीन कार्बन है, ठीक है। और फार्मूले से निकालते तो देखो कितना कर लेते तुम, कार्बन को 3x मान लेते, ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 2 × 4 = 0, तो x बराबर कितना था, 4/3। और अगर हम यहां से भी अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो हमारे पास कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो नीचे कितना जाएगा, 3,
प्लस टू जीरो प्लस टू तो आ जाता प्लस में फोर बाई थ्री, देख लो मैच कर लो। ठीक है, आया मजा, मजा आ रहा, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हमारा ये जो मिल गया ना ये वाला, ये क्या है? ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर बना के इसका डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखो इसका स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा सा बहुत भयंकर दिखेगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास इलेवंथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, तीन तीन छह दो आठ, आठ ऑक्सीजन। अब यहां से हम इसको क्या करना, बस बॉन्ड ब्रेक कर देना। इधर देखो दो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसे माइनस टू जाएगा, इधर प्लस टू, इधर से दो ब्रेक किया माइनस टू, इधर से आएगा प्लस टू, इसको ब्रेक किया इस पे आएगा माइनस टू और यहां से आएगा प्लस टू। ब्रोमीन का ब्रोमीन के बीच में तोड़ोगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, दे दो कोई मतलब नहीं है। इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस टू ऑक्सीजन पे माइनस टू और ब्रोमीन पे प्लस टू, इधर से तोड़ोगे तो ब्रोमीन पे प्लस टू और इधर से आएगा माइनस टू, और इस पे तो इसी का सेम है कॉपी तो इस पे हो जाएगा प्लस सिक्स, और ये भी तुम्हारा क्या है प्लस सिक्स, और यहाँ से ब्रोमीन को कितना मिल रहा है प्लस का फोर मिल रहा है। तो ब्रोमीन का यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर आ गए, तीन, छः, चार, छः। ठीक है, अगर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो छः छः बारह चार कितना हो जाता है सोलह, और सोलह बटे कितना हो जाता है तीन, और यहाँ से अगर फार्मूले से निकालते ब्रोमीन का तो तीन ब्रोमीन है तो थ्री एक्स और आठ दुनी सोलह इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना था सोलह बटे। ठीक है, देख लिए, समझ में आया? तो इन क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट है भाई? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।